मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। और आज आपके लिए एक बार फिर एक बेहतरीन वीडियो का सीरीज लेकर आया हूं, और खास करके उन सभी साथियों के लिए जो आगामी 12 दिसंबर को SCGD LDC एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा 700 क्वेश्चन का सीरीज है उसमें टोटल 10 सेट है और एक सेट में 70 क्वेश्चन है, और 70 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में जो प्रोफेशनल नॉलेज यानी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन जो होते हैं, पार्ट सेकेंड या कहें खंड द्वितीय, उसमें 70 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 700 क्वेश्चंस के सीरीज को लेकर हम चल रहे हैं, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीसरे सेट के बारे में, ठीक है। तो तीसरे सेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट जाएं गूगल प्ले स्टोर में, और आपको लिखना है क्या टोटल एग्जाम एक साथ, ठीक है। ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन का लोगो है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, और आपको जाना है पैड कोर्स के अंदर, ठीक है। पैड कोर्स के अंदर जाकर आपको फिर जाना है ऑल कोर्स के अंदर, और यहाँ पे ऑल कोर्स में अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग फुल कोर्स भी चला रहे हैं, और जिसे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए उसके लिए हम लोग एक नोट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फुल कोर्स ले रहे हैं ना, वो ऑलरेडी ये नोट्स उनको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ साथियों का जो कह सकते हैं कि साउथ इंडियन है, मतलब दक्षिण भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो उन्हें हिंदी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो 700 है ये प्योर अभी हिंदी में है, बट आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 700 क्वेश्चन हिंदी में है इसे हम लोग इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराएंगे। एक सेट आपको डेली इंग्लिश में मिल जाएगा ऐप पर, ठीक है। कहाँ मिलेगा, ऐप पर मिलेगा, और साथ में ही 700 का डेली एक वीडियो आपको ऐप पर ही मिलेगा, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, और जिनका भी जो भी प्रॉब्लम होता है वो आप हमें इस नंबर पर 888-27555-63 पर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। जल्द ही आपकी हमारी जो टेक्निकल टीम है, अगर टेक्निकल इशू है तो वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है, पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त, 9 अप्रैल, 8 मई और 21 अक्टूबर, बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन डी, 21 अक्टूबर को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फर्स्ट में मैंने इसको रखा है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, बात है 21 अक्टूबर 1959 के, ठीक है। जगह हॉट स्प्रिंग, ठीक है। जगह क्या है, लोकेशन लद्दाख, लद्दाख में एक जगह है हॉट स्प्रिंग, ठीक है। इसी हॉट स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं ये आपके पुलिस शहीद दिवस, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1959, 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग में, जो कि लद्दाख में पड़ता है, चीनी सैनिकों द्वारा, किनके द्वारा, चीनी सैनिकों द्वारा जबरदस्त एम्बुश किया गया, यानी एम्बुश यानी ऐसा हमला जहां से बच निकलने का मुश्किल है, मतलब 99% चांस होता है कि यहां से बचना नामुमकिन है,
ठीक है। तो ऐसी हमला, बहुत ही खतरनाक हमला चीनी सैनिकों द्वारा किया गया। सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी थी, पेट्रोल पार्टी कह सकते हैं उन पर, ठीक है। और इस हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए, ठीक है। क्योंकि जो इन्होंने जबरदस्त हमला किया था, इतनी ज्यादा फायरिंग किया कि इन्हें मौका ही नहीं दिया, और सीआरपीएफ की एक जो पेट्रोल पार्टी थी, एक टुकड़ी थी, उसके 10 जवान शहीद हो गए। और वो दिन क्या था, 21 अक्टूबर 1959, ठीक है। तो इनके ही शहादत में, ठीक है, इनकी शहादत को पूरे भारतवर्ष में 21 अक्टूबर के रूप में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। पुलिस शहीद दिवस कहें, पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो हम बता रहे थे हॉट स्प्रिंग, यही वो जगह है, ये जो इलाका है ये हॉट स्प्रिंग का इलाका है, ठीक है। एग्जैक्ट ये लोकेशन नहीं है, लेकिन यही इलाका है जहां पे हमारे 10 जवान 21 अक्टूबर 1959 को शहीद हो गए थे, और ये यहाँ पे इनका स्मृति बनाया गया है ये, ठीक है। और ये हमारे 10 जवान हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हॉट स्प्रिंग में शहीद हुए थे, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं यहाँ पे कि हॉट स्प्रिंग है कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। देखिए, ये वाली जो लाइनें हैं, ये लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइनें, ये हमारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। और जो ये डॉट डॉट है, ये यहां पर क्या करते हैं, ये चाइना क्लेम कर रहा है कि यहां तक, मतलब ये वाला पूरा एरिया हमारा है, ठीक है। और हम जो हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे थे, ये हॉट स्प्रिंग यहां पर है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे ये हॉट स्प्रिंग है, ठीक है। और यही आप कह सकते हैं कि इनके पास में आपके गलवान वैली, ठीक है, उसके बाद देपसांग, ये आपका देपसांग हो गया, और पेंगोंग, ये नॉर्थ पेंगोंग और ये साउथ पेंगोंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है, इसी लोकेशन पर हमारे 10 जवान 21 अक्टूबर को 1959 को शहीद हो गए थे, ठीक है। और इसी उन्हीं के याद में कह सकते हैं, उनके शहादत को याद करते हैं, हर वर्ष 21 अक्टूबर को पूरे भारत में, पूरे भारत की पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, शौर्य दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। शौर्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, शौर्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जल्दी आप लोग जिनको पता है वो फटाफट कमेंट कर दें, और लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है, जिन्हें पता है वो कमेंट कर लें। तो शौर्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 अप्रैल। तो बात है दोस्तों, 9 अप्रैल 1965 का, जगह गुजरात का रन ऑफ कच्छ, और यहां पर एक है जगह सरदार पोस्ट, ठीक है। तो 9 अप्रैल 1965 को क्या हुआ था कि पाकिस्तानी एक पूरा ब्रिगेड हमला कर दिया, कहां पर, सरदार पोस्ट पर, ठीक है। और यहां पर सरदार पोस्ट पर कौन थे, सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी, ठीक है, छोटी टुकड़ी थी, और भीषण युद्ध हुआ, और इन छोटी टुकड़ी ने पूरे ब्रिगेड को रोक दिया,
और जो कह सकते हैं कि हमला विफल कर दिया। इस दौरान जो है जो ये पाकिस्तानी थे इसमें से 34 को मार गिरा, ठीक है, और 4 को जिंदा भी पकड़ा हमारे सीआरपीएफ के ट्रूप्स ने, ठीक है। और कह सकते हैं कि एक ब्रिगेड को किस तरीके से इन्होंने उस समय रोका होगा और इतने बहादुरी से उन्होंने ये सारे चीजें किया। और तो इसी के कह सकते हैं कि बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग, इसमें क्या हुआ था कि हमारे 9 बहादुर जवान यानी इस जो सीआरपीएफ की टुकड़ी थी इसमें से 9 जवान सीआरपीएफ का शहीद हो गया था। और इन जवानों के बहुत जो बहुत इतने बहादुरी पूर्वक लड़ाई लड़ा, इनके कह सकते हैं कि इनके यादों में हर साल जो हमारे जवान शहीद हो गए थे उस टाइम 21 सॉरी 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहां से देखे कितने बन सकते हैं, जो मैंने पीछे एक क्वेश्चन आपको कराया ये वाली, यहां से एक क्वेश्चन पुलिस शहीद दिवस या पुलिस स्मृति दिवस का मनाया जाता है तो 21 अक्टूबर, ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कि हॉट स्प्रिंग कहाँ स्थित है, तो हॉट स्प्रिंग लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यह हॉट स्प्रिंग में सीआरपीएफ के कितने जवान शहीद हो गए थे, तो 10। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रश्न यहां से आपके बनते हैं और इसी तरीके से 3 प्रश्न यहां से भी बनेंगे, 3-4 प्रश्न। शौर्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 9 अप्रैल को, ठीक है। और रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में, या फिर सरदार पोस्ट कहाँ है, गुजरात में। और पिछली बार यहाँ से इससे यहाँ से एक क्वेश्चन आया था आपके एलडीसी एग्जाम में जो आपके 2016 वाला था, ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपके सरदार पोस्ट है, ये आपका सरदार पोस्ट है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी आपका मेंशन किया गया है, ठीक है, अप्रैल 9, 1965। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं टू द पॉइंट, थोड़ा तेज, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि थोड़ा फास्ट लेकर चलिए, टाइम कम है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, बाकी हम टू द पॉइंट अभी चलेंगे। तो इंसास राइफल का कारगर रेंज 400 मीटर, ये आपके इंसास राइफल है, ठीक है। अगला एकेएम राइफल की लंबाई, एकेएम राइफल की लंबाई आपको बताना है। चौथा प्रश्न, तो इसका करेक्ट आंसर है 876 mm। ट्यूब लॉन्चिंग की लंबाई, तो ट्यूब लॉन्चिंग की लंबाई होता है 15 सेंटीमीटर। ट्यूब लॉन्चिंग की लंबाई कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। और ये ट्यूब लॉन्चिंग में क्या करते हैं, ग्रेनेड को लगाते हैं और फिर राइफल पर उसे लगाकर आप फायर किया जाता है। ट्यूब लॉन्चिंग की क्लास चली हुई है, विशेष जानकारी के लिए और डीपली नॉलेज के लिए आप हमारे जो ट्यूब लॉन्चिंग की वीडियो है उसे देख सकते हैं। अगला है यूबीजीएल के ग्रेनेड कितने भागों में फटता है, ठीक है। तो यूबीजीएल के जो ग्रेनेड है वो 2 भागों में फटता है, कितने भागों में फटता है, 2 भागों में फटता है, ठीक है। तो ये सारे ग्रेनेड हैं यूबीजीएल के, और यहाँ पे जो स्टार बने हुए हैं इन सभी स्टार का अलग अलग मीनिंग और अर्थ होता है, ठीक है। X-95 को कितने भागों में खोला जा सकता है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। ये आपके X-95 राइफल है, ठीक है, X-95 राइफल है, मेड इन इजराइल, ठीक है, मेड इन इजराइल, इजराइल की एक कंपनी है IWI, ठीक है, इन्होंने ही इसे बनाया है, ठीक। इसका IWI का फुल फॉर्म होता है इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज, ठीक। तो ये कितने भागों में खुलता है, तो ये 3 भागों में खुलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो X-95 कितने भागों में खुलता है, 3 भागों में। X-95 को किस देश ने बनाया है, इसराइल ने। X-95 को किस कंपनी ने बनाया है, IWI ने, ठीक है। चलिए, कैरीपोल के कार्यालय में खोली गई कोई भी पंजिका को कम से कम कितनी अवधि तक रखा जाना आवश्यक है, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष, ठीक है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में केरिपू बल में कुल कितनी सिग्नल बटालियन है? वर्तमान में केरिपू बल में कुल कितनी सिग्नल बटालियन है? जो 5 सिग्नल बटालियन है। कितनी सिग्नल बटालियन है? 5 सिग्नल बटालियन है। कहां कहां है? दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़, कोलकाता, नीमच, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, नीमच और हैदराबाद, ठीक है। तो ये 5 जगह आपके सिग्नल है। एक लड़के ने क्वेश्चन किया था कि सिग्नल बटालियन के कंपनी स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इस सिग्नल बटालियन के कंपनी स्ट्रेंथ फिक्स है ही नहीं, ठीक है। क्या है? फिक्स नहीं है, ना ही यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप इस जो अभी कैडर रिव्यू हुआ है उसके बाद जो डेटा आया हुआ है, सारे बटालियन के स्ट्रेंथ अलग अलग है, ठीक है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, ठीक है, सबके अलग अलग है, फिक्स नहीं है। आप हमारे जो एक स्ट्रेंथ ब्रेकअप वीडियो है उसे देख सकते हैं, वहां पर डिटेल में बताया गया है। स्ट्रेंथ ब्रेकअप का एक वीडियो है आपको यूट्यूब पे ही, उसे आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला है, केरिपू बल फॉर्म संख्या 4 में क्या है? फॉर्म में क्या है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। कीट निरीक्षण फॉर्म, ऑप्शन बी, ये शायद टाइपिंग एरर है, ठीक है। ऑप्शन सी, रेलवे वारंट बुक, और ऑप्शन डी, भर्ती फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेलवे वारंट बुक, ठीक। आपको रेलवे वारंट बुक बोले या फिर रेलवे वारंट बोले, आंसर 4 ही होगा, यानी फॉर्म नंबर कितना होगा? फॉर्म नंबर 4। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारा फॉर्म नंबर दिया था, और जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 50 फॉर्म नंबर, 50 के आसपास फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट जो भी आई था उसे हमने दिया था, ठीक है। आज फिर हम आपको जितने भी हमारे पैड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उन सभी को हम उनके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों पर हम आपको दे देंगे, बाकायदा हाईलाइट करवा के दे देंगे, ठीक है। सारे हम दे देंगे, पढ़ना सारे हैं, लगभग 100-110 के आसपास फॉर्म है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लगभग 45-50 है, उसे हम हाईलाइट करा देंगे, ठीक है, ताकि आप पहले तो सबको पढ़ लें और उसके बाद कम टाइम में आप जो हाईलाइटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, उसे बार बार रिविजन कर लें। केरिपू बल फॉर्म संख्या 22 में क्या है? रंगरूटों का प्रगति रिपोर्ट, अर्दली कक्ष पंजिका, शिशु शिक्षण भत्ता पंजिका, दैनिक परेड विवरण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशु शिक्षण भत्ता, जिसे आप लोग CEA भी बोलते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगला प्रश्न है, केरिपू बल के प्रथम कमांडेंट कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, श्री बीजी कानेटकर, ऑप्शन बी, मेजर जे एफ पैरेट, ऑप्शन सी, श्री वी के मालिक, और ऑप्शन डी, मेजर एल के शर्मा। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर जे एफ पैरेट। क्या याद रखना है? पैरेट ये क्या थे? प्रथम कमांडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है, केरिपू बल को अपना ध्वज कब मिला? केरिपू बल को अपना ध्वज कब मिला? 19 मार्च 1950, 20 6 1950, 26 1 1950, और 15 8 1987। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 19 मार्च 1950 को, 19 मार्च 1950 को इन्हें जो केरिपू बल को अपना ध्वज प्राप्त हुआ, ध्वज मिला। एक क्वेश्चन और जो है कि कई बार पूछा भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे सीआरपीएफ का जनक भी कहा जाता है, सीआरपीएफ का जनक भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना, कहीं गलती से पूछ लिया तो आप फटाक से जवाब दे सकें। सीआरपीएफ के जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका बहुत ही योगदान रहा था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव जो स्टार्टिंग में, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले भी क्लास में चल चुका है कि क्राउन पहले इसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है, और बाद में इसे सीआरपीएफ, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बनाया गया। अगला प्रश्न है, केरिपू बल के प्रथम महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए, श्री वी जी कानेटकर, ऑप्शन बी, मेजर जे एफ पैरेट, ऑप्शन सी, श्री वी के मलिक,
और ऑप्शन डी मेजर एल के शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री वी जी कानेटकर। ठीक है, तो प्रथम महानिदेशक यानी डीजी, फर्स्ट डीजी कानेटकर और फर्स्ट सीओ यानी कमांडेंट पैरेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखना। ठीक है, आप सीधा इसका ट्रिक कॉपी। ठीक है, कॉ से क्या हो गया कानेटकर और पी से क्या हो गया पैरेट। बड़ा कौन है, तो बड़ा होता है डीजी, इसलिए सबसे पहले ये वाला हो गया डीजी, और बाद में छोटा क्या होता है कमांडेंट, तो बाद में ये हो गया पी यानी पैरेट। तो ऐसे आप कॉपी करके याद रख सकते हैं, प्रथम डीजी और प्रथम कमांडेंट कॉपी करके। ठीक है, कॉपी शब्द से तो आपको याद रहेगा। अगला है कैरी पुअर फॉर्म संख्या 33 में क्या है, 33 में क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संचालन आदेश। इसको क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, मूवमेंट ऑर्डर। जब आप कहीं जाते हैं तो जो आपका मूवमेंट ऑर्डर बनता है वो फॉर्म संख्या क्या होता है 33 होता है। ठीक है, रेलवे का हमने कितना बताया, चार बताया। ठीक है, सीए का कितना बताया, फॉर्म नंबर 22 बताया। ठीक है, वाहिनी में परिचालन यानी ऑप्स का इंचार्ज कौन होता है, कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, उप कमांडेंट और द्वितीय, तो होगा द्वितीय, द्वितीय कमान अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उप कमांडेंट, उप कमांडेंट यानी डीसी। ठीक है, ऑप्स ऑप्स इन चार्ज कौन होता है, डीसी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है केरी पुल में अदालती जांच अधिकतम कितने समय सीमा में खत्म करना आवश्यक है, 72 घंटे, 30 दिन, 60 दिन, 7 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 दिन। ठीक है, 30 डेज। अगला प्रश्न है एक ही वर्ड ऑफ कमांड से आगे पीछे कितने कदम जा सकते हैं, 3 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 5 कदम। इसका करेक्ट आंसर है 3 कदम आगे पीछे जा सकते हैं, एक ही वर्ड कमांड पे आगे और पीछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हेलमेट की जाली का माप, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई। ठीक है, दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, एक हेलमेट की जाली का नाप और दूसरा प्रश्न सैंड बैग का नाप। ठीक है, तो ये दो प्रश्न जो है हमेशा अक्सर आपको देखने के मिलेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हेलमेट के जाली का माप क्या होगा, 18 गुना 18, 19 गुना 19, 20 गुना 20 और 25 गुना 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18 गुना 18। ठीक है, तो आप एकदम पूरा रट्टा मार लीजिए इसे। ठीक है, और सैंड बैग का भी हमने आपको जो ये 700 क्वेश्चन है जो आपको हमने दे रखा है पीडीएफ में, उसमें आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इंग्लिश वालों को इसका 700 का इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे अब लास्ट समय बचा हुआ, जब हमारे पास लगभग लगभग 10 डेज समय होंगे, तो ये जो 700 प्रोफेशनल नॉलेज है इनके सारे करेक्ट आंसर को हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, ताकि आप जब क्विक रिवीजन करें बस सरसरी निगाह से क्वेश्चन देखें आंसर देखें, क्वेश्चन देखें आंसर देखें और निकलते गए। ठीक है, हमने जितना स्टडी मटेरियल दे दिया इतना आप कर लेते हैं, तो आपके 100% श्योर रहिए कि आपका रिजल्ट 100% होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग महिला बटालियन का गठन 1980, 1987, 1988 और 1990। तो महिला बटालियन का गठन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1986। तो 1986 में फर्स्ट महिला बटालियन 88 बटालियन का गठन किया गया,
और इसे 80 कह सकते हैं कि 1987 में इन्हें ट्रेनिंग दिया गया, जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और फर्स्ट बार इन्होंने जो अपना ड्यूटी दिया इस 88 बटालियन ने, वो था आपका मेरठ, राइट, ठीक है, और श्रीलंका में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है किस महिला बटालियन को फर्स्ट टाइम श्रीलंका भेजा गया था, तो 88 बटालियन को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? 88 बटालियन को भेजा गया था, क्लियर है। और फर्स्ट बटालियन, महिला बटालियन कौन सी है? 88 है। तीन चार क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट महिला बटालियन 88, श्रीलंका सबसे पहले किस महिला बटालियन को भेजा गया था? 88। 88 महिला बटालियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। जो फर्स्ट महिला बटालियन कब कह सकते हैं कि उस राइज किया गया था, तो 1986 में, ठीक है। और टोटल कितने महिला बटालियन है? सिक्स। कितने हैं? सिक्स महिला बटालियन है। इनके लोकेशन को पक्का याद रखना है, ठीक है, गठन को भी याद रखना है, क्लियर है। जो फर्स्ट महिला बटालियन है वो 88 है, इसकी स्थापना 1986 में। दूसरा 135 में, 135 बटालियन है, इसकी स्थापना 1995 में। 135 बटालियन बहुत अच्छा, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अपना ड्यूटी बहुत अच्छे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया था। उसके बाद जो तीसरी बटालियन है 213, ठीक है, ये 2011 में बनाया, कह सकते हैं कि राइज किया गया था। उसके बाद 232, 233 और 240। जो 232 है 2014 में, ठीक है, 233 2015 में और 240 2016 में गठित किया गया था। इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन अमूमन आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसी दो बटालियन से ज्यादातर संभावना है, ठीक है। और इससे अगर आपको डायरेक्ट ये 2014, 15 और 16 अगर डायरेक्ट नहीं देता है तो आपको इस तरह से देंगे 2014, 2015, क्योंकि ये 14 में स्टार्ट हुआ था, 14, 15 दोनों साल इन्होंने लिया बनने में। उसी प्रकार से जो 233 बटालियन है ये 2015 में खड़ी हुई और 2016 तक खड़ी हुई है, मतलब दोनों साल को इन्होंने टच किया, ठीक है। उसी प्रकार से ये दो जो 240 है ये 2016 से लेकर 2017 तक इनको खड़ा करने में, कह सकते हैं राइज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, ये सारी चीजें इनको लगा, तो आप डेटा इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल था हमारे पास, अभी टोटल क्वेश्चन हमें करने थे 70, जिसमें हमने अभी कर लिया 20, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के जो वीडियोस हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन के लिए आप फटाफट क्या करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और पैड कोर्स के अंदर जाकर, आपको फुल पैड कोर्स के अंदर जाके ऑल कोर्स में जाना है और यहाँ पे आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है, तभी आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। अगर सिर्फ आप नोट्स ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज के सिर्फ 700 ही क्वेश्चन है प्लस वेपन, बस यही दो चीज है। लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज जो है ये आपके रिजल्ट बना सकते हैं। रिजल्ट बनाने में सबसे अहम भूमिका आपके जो निभाते हैं वो आपके हैं रीजनिंग, जहां से आप नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। फ्री का नंबर मिलेगा आपको प्रोफेशनल नॉलेज, और हिंदी के हैं या फिर इंग्लिश के, ठीक है। मैथ में थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा कि आप लोगों के द्वारा फीडबैक आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप बेहतरीन तरीके से ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए सेट 3 के आप फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर यानी 888-27-555-63 पर हमसे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए या फिर कॉल से संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।